चलिए स्टार्ट करेंगे अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी नाम तो पहले सुना होगा ना, है ना? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ही नहीं। दीज आर नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ही नहीं। क्यों? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त पार्टीज की इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की इंटेंशन ही नहीं होती। ठीक बात है कि नहीं? बिकॉज पार्टीज टू कॉसी कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट हैव इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की इंटेंशन नहीं होती, फिर भी ऑब्लिगेशन कुछ ऐसे अराइज हो जाते हैं ड्यू टू ऑब्लिगेशंस बाय वन पार्टी ऑन अनदर। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन कर देती है कि जिससे एक पार्टी का तो फायदा हो रहा है और दूसरी पार्टी का नुकसान। ठीक बात है कि नहीं? इस कारण से होता क्या है? बिकॉज ऑफ दिस वन पार्टी गेट्स बेनिफिट at the expense of other। एक पार्टी का फायदा हो जाता है और दूसरी का खर्चा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो क्या किया जाए? लॉ कहते हैं भाई ऐसे तो काम गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्या किया जाए? एक पार्टी फायदा कमा रही है और दूसरी पार्टी का यहां नुकसान हो रहा है। इन द आईज ऑफ लॉ दिस इज नॉट करेक्ट। इन द आईज ऑफ लॉ द पर्सन गिविंग बेनिफिट Giving benefit, जो person benefit दे रहा है should get something ठीक बात है कि नहीं? उसको भी कुछ मिलना चाहिए। Even though there was no contract, there was no express contract, ठीक बात है कि नहीं? जहां कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ना हो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। तो One should not get enriched at the expense of other. किस रूल पर बेस्ड है? Why? Law applies rule of
या प्रिंसिपल ऑफ, इसे प्रिंसिपल लिखते हैं, लॉ ऑफ प्राइस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी या इक्वालिटी। और इस लॉ का मतलब क्या है, नो वन शुड गेट एनरिच्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, ठीक बात है कि नहीं, दूसरे के नुकसान पर एक बंदा फायदा कभी भी नहीं कमा सकता, ठीक बात है कि नहीं। एक्चुअली यही कॉन्ट्रैक्ट जो बनाए गए लॉ के द्वारा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंप्लाइड बाय लॉ। किसने इंप्लाई किया इन्हें, इंप्लाइड बाय लॉ, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंप्लाइड बाय लॉ। ठीक बात है कि नहीं, नोट करिए जल्दी से जरा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंप्लाइड बाय लॉ, ठीक है जी। तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, फिर भी लॉ इन्हें इंप्लाई करवा देता है। क्यों? क्योंकि लॉ नहीं चाहता कि एक पर्सन के खर्चे पर दूसरे का फायदा हो, एक पर्सन का नुकसान हो और दूसरे का बेनिफिट हो जाए। आपको याद होगा कि हमने इस पर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के बारे में बात की थी, याद है कि नहीं? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का एग्जाम्पल, और मैंने यह भी कहा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स होते हैं, सेक्शन 68 से सेक्शन 72, ठीक बात है कि नहीं? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, यानी जिस पर्सन को एक खोया हुआ वॉलेट मिला था, इतने सारे पैसे मिले उसे, क्रेडिट कार्ड्स मिले, लेकर कहां पहुंच गया था वो, फरीदाबाद, और जिसका वॉलेट था उसने वॉलेट भी ले लिया और क्या बोला, थैंक यू वेरी मच, जाओ यहां से, और उसने पैसे देने से भी मना कर दिया था। उसने कहा जी हमारा और तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, क्या कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कोई इंटेंशन है, इसका मतलब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के कारण बाइंडिंग तो है नहीं, आपने मुझे वॉलेट दे दिया, मैंने रख लिया, आप जाओ, कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन लॉ ने क्या कहा, नो वन शुड गेट एनरिच्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, इसका मतलब कि अब ओनर ऑफ द वॉलेट विल गिव द एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइंडर, यानी फाइंडर का आने जाने का खर्चा उसे देना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बड़े ध्यान से समझने वाली है, और वो बात ये कि बेलमेंट आपको याद है कि नहीं, बेलमेंट, शर्मा जी और वर्मा जी वाला एग्जाम्पल। वर्मा जी सुबह सुबह शर्मा जी के घर पहुंच गए थे, क्या कह के कि मुझे आपकी कार चाहिए, क्या करने जाना है,
वाइफ को घुमाने लेने जाना है, ठीक बात है कि नहीं? तो शर्मा जी ने क्या कहा था, ठीक है जी कोई बात नहीं ले जाओ। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक बात है कि नहीं? शर्मा जी जिन्होंने वो कार दी थी वो थे बेलर, और जिसे कार दी गई थी वर्मा जी उनको क्या कहेंगे, बेली। अच्छा ये बताओ शर्मा जी कार तो ले गए थे, वर्मा जी कार तो ले गए थे शर्मा जी की, लेकिन वर्मा जी उसे कैसे चलाएं, रैश ड्राइविंग करें या उन्हें ध्यान से चलानी चाहिए? बिल्कुल उसी तरह कार चलानी चाहिए जैसे कि वो अपनी कार का ख्याल रखेंगे चलाते वक्त, ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? यानी बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वो दिए गए सामान की ऐसे केयर करे जैसे कि वो अपना सामान हो, ठीक बात है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है हमारा, ये भी एक बेली की पोजीशन में है, जैसे कि रियल ओनर ने उसके पास वॉलेट रखवाया हो, उसे इस तरह से केयर करनी पड़ेगी जैसे कि उसका अपना वॉलेट हो, लेकिन यूज नहीं करेगा। ओके जी, अपना है तो बस कर लेते हैं यूज, यूज नहीं करेगा, केयर करेगा कैसे, जैसे अपनी हो। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की बात बता रहा हूं मैं, जैसे ही गुड्स मिली उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि पहले रख लिया तो बेली बन गया, रखने के बाद उसको ढूंढने का प्रयास करें, किसे, ओरिजिनल ओनर को, अपने पास रखे संभाल के रखे, ही शुड टेक केयर ऑफ गुड्स, और अपने पर्पस के लिए उसे यूज ना करें, ठीक बात है कि नहीं? अब अगली बात, अगर मान लिया जाए कि मैंने गुड्स ढूंढ ली लेकर पहुंच गया और वो मेरा पैसा देने से मना करता है तो क्या करूं, बोलो क्या करूं? मैं उसकी गुड्स पर कब्जा कर सकता हूं, मेरे पास राइट ऑफ लियन है, कब्जा करने का राइट, जब तक तुम मेरा खर्चा नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा सामान नहीं दूंगा। और मान लिया जाए कि उस ओनर ने एक रिवॉर्ड रखा हुआ था, जो भी मेरे इसको वॉलेट को ढूंढ के लाएगा या खोए हुए सामान को ढूंढ के लाएगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा, और अगर ये पैसा देने से मना करे तो ऐसे केस में आप उसके खिलाफ केस दायर भी कर सकते हैं, समझ आई बात के नहीं? क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी पोजीशन है जहां पर ये पर्सन, ये जो फाइंडर है, ये इन गुड्स को बेच भी सकता है, बेच कर भी पैसा निकाल सकता है, पता है कब, जब पेरिशेबल गुड्स हो, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि मान लिया जाए कि एक पर्सन को एक दूध का कैन मिल गया, सोनीपत से रोज डेली लोग इतने दूध लेकर आते हैं दिल्ली में ट्रेन में, उनके जो डब्बे होते हैं उन पर उनका नाम और नंबर भी कई बार लिखा होता है, एक पर्सन को अगर वो मिल गया पूरा कैन और उसने ये सोचा जी इसको तो मैं कल लौटाऊंगा, अब यूज नहीं करना मुझे, क्या करना चाहिए उसे, उसे ये पेरिशेबल कमोडिटी है ये जानकर इसे बेच देना चाहिए, जो पैसा आए वो ओरिजिनल ओनर को दे देना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं? एक बात जरा बताओ, एक चीज मिली 100 रुपए की और जिस पर्सन की है वो उसके पास पहुंचाने का खर्चा है 100 से ज्यादा, क्या किया जाए, खर्चा करके बोले लो जी मैं 100 रुपए की ले आया हूं, आने जाने का खर्चा 300 रुपए है, लाओ 300 रुपए दो, कहेगा भैया इससे अच्छा अपने पास ही रख लेता, ठीक बात है कि नहीं? इसी कारण से रूल बनाया गया कि भाई अगर आपको जो चीज मिली है अगर उसका प्राइस कैलकुलेट किया आपने और असली मालिक को ढूंढने का खर्चा इसकी वैल्यू के 2/3 से ज्यादा हो जाए, यानी वैल्यू है उसकी 300 रुपए और ओरिजिनल ओनर को ढूंढने में खर्चा 200 से ज्यादा लगे, तो उसे देने की जरूरत नहीं, अपने पास ही रखो या बेच दो, अपने पास रखो कोई टेंशन नहीं है, इज इट क्लियर?
आइए पेज नंबर 106 पर आ जाइए और पॉइंट नंबर 4 देखिए, क्या कभी हमने पढ़ा है? जाना पहचाना लग रहा है। 106 पे पॉइंट नंबर 4 क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। जरा जल्दी से इसका पैराग्राफ पढ़ लीजिए और फिर राइट्स पढ़ लीजिए। जल्दी से 2 मिनट के अंदर वही बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं सारी लिखी हुई हैं। जल्दी से राइट्स पढ़िए और ड्यूटीज पढ़िए, लेकिन अगले पेज पर मत जाइएगा। अब स्पेशली लोग अगला पेज जरूर देखेंगे। सभी ने राइट्स पढ़े, ड्यूटीज पढ़ी, समझ आ गई? 4 तरह की ड्यूटीज। असली ओनर को ढूंढने का प्रयास करो, गुड्स की केयर ऐसे करो जैसे कि आपकी अपनी है, और जैसे ही असली मालिक मिले उसको रिटर्न कर दो, और इस बीच खुद इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना। आइए जरा पॉइंट नंबर 5 पढ़े इसका, पेज नंबर 107। Should not mix up goods with his own goods। कितना आसान है या मुश्किल है? बहुत इजी है। अगला पॉइंट और भी आसान है। अगर चीजें पड़ी पड़ी कभी इंक्रीज हो जाए और जब ओरिजिनल मिले, ओरिजिनल ओनर, तो इंक्रीमेंट के साथ उसे वो चीज वापस करो। जैसे कि मान लिया कि हम एक वॉलेट मिला, उसमें 200 रुपए पड़े थे और पड़े पड़े वो 200 के 400 रुपए हो गए, 2 के 4 नोट हो गए, तो भाई 4 के 4 वापस करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? ये इम्पॉसिबल है? अरे भाई पॉसिबल क्यों नहीं है? पैसे बढ़ नहीं जाते बड़े बड़े? मैंने तो सुना था कि मोर पंख उसमें रखा जाए वो डबल हो जाता है। वो कह रहे हाँ, तो ऐसे ही पैसे रखो डबल हो जाएंगे। हाँ यार बात तो सही है भाई, पैसे डबल कैसे हो जाएंगे? पड़ी पड़ी चीज बढ़ कैसे जाएगी? सवाल ये है, मान लिया जाए किसी पर्सन को एक काउ मिली और ओरिजिनल ओनर जब तक मिला उस काउ का एक काफ हो गया, और इस बीच 2 हफ्ते बाद जब ओरिजिनल ओनर आया तो उसने बोला जी मैं तो नहीं देता, मुझे तो काव मिली थी, मैं काव दे रहा हूं, काफ नहीं दूंगा। अब बताओ क्या इसे काफ देना पड़ेगा या नहीं? इसी केस के कारण ये जो है पॉइंट बना। इफ देर इज एनी एक्रीशन, वर्ड क्या यूज किया गया है? एक्रीशन, इंक्रीज नहीं। क्या वर्ड यूज किया लॉ ने? एक्रीशन। इफ देर इज एनी एक्रीशन इन द गुड्स देन दैट एक्रिटेड पार्ट विल ऑल्सो बी रिटर्न टू दी ओरिजिनल ओनर। बात समझ आई या नहीं? लिख दीजिए इसके साथ काउ एंड काफ वाला एग्जाम्पल। और पॉइंट नंबर 7, शुड मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू फाइंड द ट्रू ओनर। जरा अगली हेडिंग पढ़ लीजिए फटाफट, क्या लिखी है?